अस्सलाम वालेकुम। आज मम्मा की एनिवर्सरी है। अस्सलाम वालेकुम। पहले सलाम करते हैं, सलाम करो। वालेकुम, आज मम्मा की एनिवर्सरी है। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, तो जैसे कि आपको हसन ने बताई दिया है कि मेरी एनिवर्सरी है, सेकंड ये कि आज सुबह जब मैं उठी ना, अच्छा मेरी एक रूटीन है कि मैं उठती हूँ और उसके बाद जो है ना, अगर अम्मी से मेरी मुलाकात नीचे हो जाती है तो मैं नीचे ही, नहीं तो अगर नहीं होती तो मैं ऊपर जाके अम्मी को सलाम वगैरह करती हूँ। तो पहले मैंने जाके अम्मी को सलाम किया तो अम्मी ने उसी वक्त मुझे विश किया और बहुत बहुत अच्छा लगा। उसके बाद अम्मी ने मुझे सरप्राइज़ दिया कि आज हमने तुम्हारे लिए और मौसम के लिए जो है ना दावत का अरेंज किया है, तो बस आज जो है ना तुम लोगों की दावत है, हम लोगों की तरफ और मेरी तरफ से, अम्मी पापा की तरफ से जो है ना हमारी दावत है एनिवर्सरी की। और मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मैं इतनी एक्साइटेड हो गई और एकदम ब्लैंक भी हो गई, क्योंकि सुबह जब मैं सोकर उठी उसके बाद बस ऐसी बस उठी थी और कुछ यानी इतना कोई हमने सोचा ही नहीं था। हम सोच रहे थे कि क्योंकि अभी कुछ हालात ऐसे ही चल रहे थे कि एक आध दिन बात करेंगे, इलेक्शन वगैरह का माहौल चल रहा था बाहर का, तो खैर ये हुआ कि अम्मी ने कहा नहीं भाई एनिवर्सरी, अम्मी पापा ने कहा कि एनिवर्सरी आज ही कर लेते हैं, जिस दिन है मौत उसी दिन अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा चले ठीक है, और माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, विश करा अम्मी पापा ने, सबने विश करा और माशाल्लाह माशाल्लाह से आज हमारी शादी को जो है ना वो 7 साल हो चुके हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह ये वक्त इतनी जल्दी गुजरा पता ही नहीं चला और बहुत बहुत अच्छा वक्त गुजरा माशाल्लाह से, और क्या ही बताया जाए। तो बस आज जो है ना एनिवर्सरी की तैयारी है और अभी ये लोग सब गए हुए और बस आप लोगों के साथ ये वीडियो बनाई, मैंने कहा चले आप लोगों के साथ भी शेयर करें, तो आप लोगों के साथ आगे का ब्लॉग शेयर करते जाएंगे। मम्मी ने मम्मी को भी इनवाइट किया, मम्मी को आज जाना भी था दरअसल जो है ना, उनको शादी में जाना था सुबह ना, तो बस यही हुआ कि अब देखें कब तक कौन कौन आता है और कहाँ जाते हैं हम लोग। हम तो आए हुए। हाँ देखो आप कहाँ जाते हैं, हसन, और हसन ने भी मम्मा को उठते ही विश किया था, मम्मा आपकी शादी की सालगिरह है ना, गन्ना बच्चा और क्या, बहुत चिड़ा जो बच्चा है ये मेरा, बहुत प्यारा प्यारा बच्चा है। तो बस ये था कि माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा, विश करते हैं लोग, याद रखते हैं हमें तो बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह से। तो बस अब ये कि तैयारी करूंगी, मैंने वहाँ जो है ना अपने हस्बैंड के कहने पे अपना ड्रेस निकाल लिया है और हस्बैंड के भी कपड़े प्रेस कर दिए हैं। मैं अपना फुल ड्रेस दिखाती हूँ आपको कि मैंने कौन सा ड्रेस निकाला। मेरे हस्बैंड ने कहा कि आज ये वाला ड्रेस पहनो और यकीन करें मैं, यानी मेरा इरादा नहीं था लेकिन बस आज जो है ना सब कुछ मैं बस करती जा रही हूँ। इनके कपड़े मैंने यहाँ प्रेस करे हुए हैं और बच्चों के भी निकाल दिए, ये इनके कपड़े हैं। भाई जेंट्स के कपड़ों का बड़ा इशू होता है, कहीं ऐसा ना हो कि ख़राब हो जाए। तो जो है ना मैंने ना इनके लिए गिफ्ट, एक वो बताती हूँ कि मसला क्या हुआ है, मैंने इनके लिए ना बहुत अच्छा सा हेलमेट जो है ना एयर फ्लो साइट एक एयर फ्लो साइट एक जहाँ पे ना मैंने इनके लिए एक बहुत अच्छा सा जो है हेलमेट पसंद किया था और मैंने वो ऑनलाइन ऑर्डर भी कर दिया है। 3-4 दिन हो गए लेकिन अभी तक वो आया नहीं है, तो खैर उसका भी इंतज़ार कर रही थी कि वो भी आ जाए तो साथ ही इनको गिफ्ट दे दूंगी, लेकिन अभी वो आया ही नहीं है, तो खैर जब आएगा मैं जब दे दूंगी। फिलहाल जो है ना मैं आपको अपना ड्रेस शो करवाती हूँ। आज जो है ना मैं अपने हस्बैंड के कहने पर ये ड्रेस पहनने वाली हूँ। ये मोहसन इधर आना बेटा, उधर कोने से पकड़ना। हाँ जी, ये है मेरा ड्रेस, एक बहुत ही प्यारा सा जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, ऐसा अच्छा लग रहा है पकड़ा हुआ। ये मेरा ड्रेस है फुल और ये देखिए जी, ये मेरी मैक्सी है बहुत खूबसूरत सी, इसके ऊपर फुल वर्क हुआ हुआ है। तो आज जो है ना मैं ये पहनने वाली हूँ, बड़ी झिलमिल 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 वाली मैक्सी है ये, लेकिन इतनी हैवी नहीं है, मतलब आराम से कैरी हो जाती है ना ये। तो बस आज मैं अपने हस्बैंड के कहने पे ये वाला ड्रेस पहनूंगी। मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये वाला निकाल के पहनो, ये अच्छा लगेगा तुम पर। और उनका भी जो है ना मैंने बहुत अच्छा सा सूट जो है ना वो प्रेस कर दिया है, हैंग कर दिया है, शूज़ वूज़ भी प्रेस, सॉरी शूज़ वगैरह भी जो है ना मैंने यहाँ पर सारे क्या करते हैं पॉलिश करके रख दिए हैं। तो बस ये है कि अभी ये लोग आते हैं और मेरा गिफ्ट तो पेंडिंग में है, मेरा गिफ्ट तो बस अभी पेंडिंग में है क्योंकि वो रह गया है और आ नहीं सका, इसीलिए बस रह जाएगा। तो कोई बात नहीं, मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ ब्लॉग में शेयर करूंगी। अभी मैंने अम्मी का भी बर्थडे का गिफ्ट नहीं दिया था और वो भी रह गया है, तो बस इंशाल्लाह ताला सब एक साथ ही मैं जो है ना सबके गिफ्ट जो है हैंड ओवर करूंगी, क्योंकि कुछ ना कुछ रह ही जाता है और मेरा ज़्यादा जाना भी नहीं हो पाता इसी वजह से, बाज़ार वगैरह, तो इसलिए रह जाता है मेरा कुछ ना। खैर इनका तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ है तो वो बहुत जल्द आ जाएगा। बहुत खूबसूरत सा मैंने इनके लिए हेलमेट मंगवाया है और आप लोग देखिएगा कि कैसा मंगवाया है, और हेलमेट बहुत ज़रूरी था इनके लिए और काफ़ी टाइम से मैं ये सोच रही थी कि ये हेलमेट नहीं पहनते, तो
अब मैं इनको गिफ्ट दूंगी ना तो अब पहनेंगे, अपने से नहीं पहनते, पहले पहनते थे फिर बीच में इन्होंने छोड़ दिया, और जबकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेफ्टी, तो इसीलिए मैंने सोचा था कि इस दफ़ा मैं एनिवर्सरी पे इनको बहुत अच्छा सा हेलमेट दूंगी, और इसके अलावा भी कुछ दो तीन गिफ्ट्स हैं तो वो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को अपने ब्लॉग में शेयर करूँगी। और जी ये हसन साहब, आप कुछ कहेंगे मम्मा के लिए, मम्मा की एनिवर्सरी पर? मेरी मम्मा बहुत अच्छी है, और जोर से बोलो ना, पता तो चले क्या। मम्मा मेरे से प्यार भी करती है। मम्मा मेरे से बहुत प्यार करती है, मैं तो वाकई बहुत प्यार करती हूँ, मैं तो हुसैन से और हसन से दोनों से बहुत पॉल पॉल करती हूँ। तो ना अभी मुझे इतनी तेज एकदम से ना बुखार चढ़ गया था, अम्मी ने दवा वगैरह दी है, अभी पता नहीं क्या हुआ, इतनी तेज बुखार चढ़ा, गला भी एकदम खराब होने लगा, और ये मेरा लड्डू यहाँ भी आ गया। हेलो, तो बस ये है कि अब बच्चों को तैयार कर रहे हैं, तबीयत अजीब सी हो रही है, मम्मी कहने लगी ये कैंसिल कर देते हैं, मैंने कहा नहीं अच्छी बात नहीं है, सबका प्रोग्राम हो गया है, कैंसिल नहीं करना चाहिए, है ना सर। मैंने थोड़ी सी हिम्मत करी और अब उठ गई एकदम से, मेरी आँखें एकदम आप लोग देख रहे होंगे कैसी चढ़ी चढ़ी हो रही है, मेरे भी है ना, मेरा बेटा बहुत प्यारा बेटा, बात तो तैयार होकर भी आ गया ना, बात तो तैयार भी हो गया, मैं हसन को रेडी कर दूं जल्दी से, मेरा गुड्डा इंतजार कर रहा है मेरा कि मैंने हसन को तैयार नहीं करा है, तो बस अब हसन को तैयार करती हूँ, मुंह तो धोई आया मेरा गुड्डा, देखो साफ साफ स्किन हो गई मेरे गुड्डे की, और ये मेरा छोटा शहजादा भी तैयार होगा अभी, इधर हाई करो मुन्ने को, तार चाहिए मैं मुन्ने को, चलो रेडी हो ना आपको, हाँ मम्मा गर्म हो रही है ना, मेरा गुड्डा है बहुत प्यारा प्यारा, चलो बस रेडी होते हैं जल्दी से फिर चलते हैं, दुआ करो मम्मा की तबीयत ठीक हो जाए, अल्लाह ताला मम्मी की तबीयत सही हो जाए, अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन, आप लोग भी दुआ कीजिएगा मेरी जल्दी से तबीयत सही हो जाए, क्योंकि जाहिर है इधर ऐसे ही होता है कि बच्चे की माँ ना बीमार होती है ना, उन्हें टेंशन हो जाती है कि बच्चे क्या करेंगे, है ना वही बात, इधर आओ तुम्हारी, देखो ये बात को हुसैन ने इतनी जोर से निशान मार दिया, मैं वो हो रही थी ना सो रही थी, हुसैन ने देखो कितनी जोर से इसके मार दिया कट, नेल्स का है ना, मेरी भी लगी, ये कैसे लगी है सर ये? यहाँ हम दोनों हो गए तैयार, और ये मेरे मिस्टर, एनिवर्सरी बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आप क्या कहेंगे? हैप्पी एनिवर्सरी, नीचे देख के बोलेंगे कहें आप भी हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी। तो जी हमारा खैर कल निकाह डे था, और आज जो है ना क्या कहते हैं आज के दिन हमारी रुखसती थी, तो माशाल्लाह माशाल्लाह से कितने साल हो गए हमारी शादी को? सेवन ईयर्स हो गए, तो सोच के बोला है इन्होंने कि सेवन ईयर्स हो गए, लेकिन माशाल्लाह से सेवन ईयर्स हो गए, और पता चला नहीं पता चला, हंसी खुशी गुजर गए माशाल्लाह से, खुशहाल सुकून से, अल्लाह का लाख 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 शुक्र है, और अल्लाह का बहुत करोड़ों बार एहसान है कि माशाल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे इतना अच्छा लाइफ पार्टनर दिया। आप भी कुछ बोले मेरी तारीफ में? ये मुस्कुराहट ही काफ़ी है मेरे लिए, तो मैं भारी जाऊँ इस मुस्कुराहट पर, वो क्या कहते हैं मैं अपना सब कुछ कुर्बान कर दूँ इस चेहरे की मुस्कान के लिए, बस ये वाला आलम है, मैं बता नहीं सकती, यानी हम लोगों की अरेंज मैरिज है, लेकिन लगता नहीं है ना, लगता नहीं है इनको, तो इनके लिए लोग कहते हैं कि लगता है, लेकिन मुझे इनके लिए भी नहीं लगता, पता नहीं क्यों आप लोगों को फील होता है, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत अच्छे हैं और बहुत ख्याल करते हैं मेरा, है ना, और बहुत एहसास करते हैं। तो बस चलते हैं, अभी हम जाते हुए केक लेते हुए जाएंगे, और इसके बाद जो है ना हम लोग पहुंचेंगे, अम्मी वगैरह ये लोग निकल भी गए, तो मैंने कहा नहीं मैं इनके साथ आती हूँ, आप बच्चों को लेकर जाएं, तो बस हम लोग चलते हैं ना, वरना पापा कह रहे थे चलो, मैंने कहा नहीं मैं इनके साथ आती हूँ और आप लोग चलें, फिर हम लोग केक लेते हुए आते हैं, तो अभी केक लेते हुए चलते हैं, फिर इसके बाद आप लोग के साथ ब्लॉग शेयर करेंगे, चलें। ये मेरी फ्रॉक है, और ये है हमारी फुल लुक, ये मैं बंद करती हूँ, कैसे खुल गई, अरे बाबा, अरे भैया ये कैसे ऑफ होगी, ये हो गई ऑफ, और ये है मेरी फ्रॉक जो कि मैंने आज वेयर की है, और अभी चलते हैं, तो बताइएगा कैसी लग रही हूँ मैं। और जी बस कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान को ना रैंडम पता चलता है, और आज मुझे रैंडम जो है ना अम्मी ने इनवाइट किया, और माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है, तो बस चलते हैं जी। Yeah.
यार इसके अलावा कोई थोड़ा बड़ा केक नहीं है? दो पाउंड में यही आता है। ये तो कुछ छोटे नहीं लग रहे? ये कितने पाउंड के? ये वाला कितने का है? नहीं नहीं पाउंड कितना है? 4 पाउंड का है। अच्छा साइज यही है बस, ये 4 बने में। सुने ये ले लेते हैं आपके लिए ये वाले। क्या क्या मिल रहा है? की चेंज है। ये लेने पॉपर वगैरह? मौसम मामू के पास है। ऐसे बिल्कुल अचानक रखा है, मुझे कुछ भी नहीं पता। मम्मी ने वो भी कर दिया था, मैंने कड़े वाले। और आंटी हम लोग से पहले ही आ रहे थे आप लोग, हम बाजू पहुंचे, हम वाकई नहीं मिले मेहमानों की तरह ही पहुंचे। मेजबान केक वेक लेते हुए आए ना हम लोग, निकले तो साथ ही तकरीबन साथ निकले, केक में टाइम लग गया था, वो लिखवाया वगैरह इसी में टाइम लग गया। नहीं भाई
मैं अभी हसन को देती हूँ खुद ही।
पापा की तबीयत ठीक नहीं थी ना, हम उनका भी नहीं आ पाई थी, वजह से उनकी तबीयत ठीक नहीं, आज ब्लड प्रेशर हो रहा, मौसम ऐसे ही हो रहा है। इंशाल्लाह सही हो जाएगा, मैं आऊंगी ना इंशाल्लाह। मैंने पापा से बात की थी, मेरे तो पापा की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए नहीं आ सके पापा। आपके बेटो खाना खाओ, सुन पहले हमने केक भी नहीं खाता था, आपका इंतजार कर रहे थे। अच्छा जी, बाहर नहीं जाना, बैठ जाओ हुसैन को लेकर। हाँ ये एक ही जगह करवा लेना। खाना वाना खा लिया है हम लोगों ने, और बस अब जो है ना सारा खाना खा लिया है, अभी सब ठीक के इंतजार में होगा, उसके बाद जो है ना हम आसान हमारे घर पे। हाँ सबसे पहले ही पहुँच गया था। मैंने ना यार आज का था, बहुत ही एक कारी आपकी थी। हाँ, ये लोग एक दो बने हैं। अच्छा है।
क्या हुआ? मुझे सूट चाहिए था भाई, मेरे सूट की मेहमानी में थी। लाइने लगी हुई गिफ्ट देने वालों पीछे से जी। तो हम लोग आ
आ गए हैं अपने घर पर और माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा मजा हमारी एनिवर्सरी हम लोगों ने मिलकर सेलिब्रेट करी। अम्मी ने दी हम सबको इतनी अच्छा सा सरप्राइज और माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। सबने बहुत सारी दुआएं दी, इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट दिए। गिफ्ट अनबॉक्सिंग की वीडियो भी मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक था और हमको दुआ में स्पेशली याद रखिएगा, बच्चा मेरा भी आके सो गया है, और दुआ में याद रखिएगा कि अल्लाह पाक जो है ना हम सबको अपने अमान में रखे, आसे दिन के असद से बचाए और हमें इसी तरीके से प्यार मोहब्बत हमेशा कायम कायम रहे। अल्लाहुम्मा आमीन। तोता भी खाना मांग रहा है और उसको ढकना भी है। तो खैर ये था मेरा आज का ब्लॉग मेरी एनिवर्सरी का जो कि, तो बस आप लोग बताइएगा कि ब्लॉग कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और स्पेशल फिर से कहती हूँ हम सबको दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह की अमान में।